बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना जल्दी मैं इसे बना पा रहा हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखते हो, सीखते हो मेरे साथ और बनाते हो, तो आप भी इसे इतना जल्दी बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको जो टेक्निक देने वाला हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ये टेक्निक आपको हेल्प करेगा बहुत ही कम समय में इसे बनाने में। जी हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और अच्छे से सीखना, ताकि आप एग्जाम में इसे बना सको। और अगर आपको ये वीडियो रियली में अच्छा लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। आई होप दोस्तों कि आप इस डेमो को देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए इससे सीखने के लिए। तो जल्दी से मुझे एक्साइटमेंट लाइक करके दिखाओ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डू इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई हो दोस्तों कि आप अच्छे होंगे और सब कुछ बढ़िया कर पा रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले कि किस तरह से आप बड़े आसानी से एनाटॉमी ऑफ अ ह्यूमन हार्ट बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इजी से इजी टेक्निक देने वाला हूँ, जिससे आप बड़े आसानी के साथ कम समय में बना सकते हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बगल वाले बेल आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको मैं ऐसे ढेर सारे वीडियोज जल्दी से जल्दी बनाकर देते रहूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले दोस्तों हम अपने स्केल को यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और 0 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर पे एक मार्क कर लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने इसे तिरछा रखा था। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मेजर करके अपने कंपास से सिंपली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ आर्क। तो इसे हम लोग इस प्रकार से यहाँ पे बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लीव करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर छोड़ने वाला हूँ। यहाँ से मैं दूसरे वाले पॉइंट से आर्क ड्रॉ करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसे इरेज कर दूँ जहाँ तक मैं इसे रख कर बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको ये अब भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, क्योंकि आप इसे पहली बार बना रहे हैं। तो आप मेरे को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो, और अब और मुझे पूरा भरोसा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्यों मैंने यहाँ पे 2 सेंटीमीटर तक इरेज किया। उसके बाद इसके सीधे भी मैंने यहाँ पे इरेज किया हुआ है। तो इतना आप भी कर लें। और इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस लाइन को इतना दूर तक लाएंगे और इस वाले लाइन को यहाँ से नीचे की ओर लाते हुए मिलाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ से फोल्ड करते हुए इस तरह से एक लाइन ऊपर की ओर बनाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस तरह से हम लोगों को सीधे स्ट्रेट बनाना है, इसे इतना दूर तक ले जाना है। देन आफ्टर दोस्तों हम लोगों को इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम लोग इसे अगेन नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ तक बनाते हुए छोड़ देंगे। ओके, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर में हम लोगों को एक ओवल लाइक स्ट्रक्चर बना लेना, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस तरह से। इसके बाद दोस्तों इस वाले लाइन को हम लोग बढ़ाएंगे इतना दूर तक। उसके बाद यहाँ से और एक लाइन बनाएंगे, जिस लाइन को हम लोग इस तरह से बनाते हुए दोस्तों नीचे की ओर लाएंगे, और यहाँ से फिर से दोस्तों फोल्ड करते हुए हम लोग उसे ऊपर की ओर लेते जाएंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह से फोल्ड करते हुए नीचे की ओर लाएंगे और यहाँ पे जस्ट मिलाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम लोग इस वाले लाइन से हम लोग इस लाइन को ऊपर की ओर लेते जाएंगे और अगेन इसे फोल्ड करते हुए जो आपने सर्कल बनाया था मेरे साथ, उस वाले सर्कल में हम लोग इसे ले जाकर मिलाएंगे। और ये हमारा अब कंप्लीट हो चुका है इतना। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे एओर्टा को बनाएंगे, जिसे महाधमनी हिंदी में बोला जाता है। तो इसे बनाने के लिए हम लोगों को एक लाइन इस तरह से बनाना पड़ेगा। फोल्ड करते हुए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 पाइप की तरह स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसे नीचे की ओर ले जाकर मिला देंगे। तो ये हमारा एओर्टा यानी महाधमनी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसे बनाते रहे। और मैं आपको साथ साथ में बताना चाहता हूँ, ऐसा ढेर सारे वीडियोस मैंने क्लास 10 के, क्लास 11 के और क्लास 12 के बनाकर अपने चैनल में डाल दिया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की तरह 2 और स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो है पल्मोनरी वेन्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुस सिराएं, और पल्मोनरी आर्टरी को बोला जाता है फुफ्फुस धमनी। डायग्राम बनाते बनाते दोस्तों मैं आपको इसका नाम भी बता रहा हूँ, ताकि आपको मैं अंत में पूछ सकूँ। जी हाँ दोस्तों, अंत में हम लोग खेलने वाले एक छोटा सा गेम, जहां पे मैं आपसे नाम पूछने वाला हूं ये सब पार्ट्स के। तो अब दोस्तों हम लोग इसी तरह से यहां पे पल्मोनरी आर्टरी, जिसे फुफ्फुस धमनी बोला जाता है, इसे भी बना लेंगे यहां पे ऊपर की ओर। इसके बाद दोस्तों 2 और नीचे बनाना, जिसे पल्मोनरी वेन्स बोला जाता है। तो उसे हम लोग इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर में, जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर में बनाना एरोटिक वेल्व्स, वेंट्रिकल एंड आर्टरी। तो उसे बनाने से पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं एरोटिक वेल्व, जो हमारा दोस्तों अब कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की ओर लाएंगे इस तरह से। एंड देन आफ्टर दोस्तों हम लोग इसे धीरे धीरे लाते हुए यहाँ पे इतना दूर तक बनाकर छोड़ देंगे। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं 2 लाइन इस तरह से। यहाँ पे सिंपली हम लोग इसे बनाएंगे और इसे फोल्ड करते हुए एक लाइन को यहाँ पे मिलाएंगे, और दूसरे वाले को दोस्तों इसी तरह से बनाते हुए हम लोग नीचे की ओर लाएंगे।
एंड देन आफ्टर दोस्तों हम लोग इसे ऊपर की ओर लेते जाएंगे एंड एरोटिक वेल्व के पास ले जाते हुए मिलाएंगे। तो आप मेरे को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहो और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट ऑर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल बनाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों उसे भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसे बनाने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एक यहाँ पे ओके एंड देन आफ्टर सेकेंड वन इज हियर। इसके बाद गाइस हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिक पर्दे कपाट। इसे बनाने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे यहाँ पे माइट्रल वेल्व्स। जी हाँ दोस्तों, आपको एओर्टिक वेल्व्स के पास इसे बनाना, तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे इसे और ऊपर की ओर लेते जाकर इसे मिला देंगे। इसका हिंदी में नाम है दोस्तों द्विक पर्दे कपाट। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एओर्टिक वेल्व्स के पास एक स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेना एंड देन आफ्टर सेम इसी तरह से आपको पल्मोनरी वेल्व्स के पास बनाना है, जो आपको इसके बगल में बनाना है, जैसा कि अब आप देख सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों आपने इतना दूर तक देखा, थैंक्स अ लॉट, और आपने यहाँ पे सीख लिया इसे। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लो। आप में से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि ये इसमें राइट और लेफ्ट कौन सा साइड है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप अपने आप को इस तरह से समझे कि आप इसके फ्रंट में खड़े हैं और यहाँ पे आपका जो राइट हैंड है वो राइट साइड है और जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट साइड है। तो इस तरह से गाइज आप इसे लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे एरो ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं लेबलिंग। सो लेट मी नो फर्स्ट वन नेम, पहला नाम क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज एओर्टा, जिसे महाधमनी हिंदी में बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज सुपेरियर वेना कावा। इसके बाद दोस्तों इसके नीचे क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज राइट आर्ट्रियम, दायां आलिंद। लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद जल्दी से बताओ इसके नीचे क्या होगा। सो दिस वन इज पल्मोनरी वेल्व्स, हिंदी में बोला जाता है फुफ्फुसीय कपाट। इसके बाद दोस्तों ट्राइकस्पिड वेल्व्स, जल्दी से बताओ इसका हिंदी में नाम क्या होगा। लेट मी नो व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस वन। सो दिस वन इज राइट वेंट्रिकल, दायां नीलय। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके नीचे क्या होगा जल्दी से बताओ। सो दिस वन इज इन्फेरियर वेना कावा। अब दोस्तों हम लोग दूसरी साइड लेबल करेंगे, तो इसका पहला नाम बताओ। सो दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां नीलय। एंड देन आफ्टर दोस्तों इसके ऊपर क्या होगा। सो दिस वन इज एओर्टिक वेल्व्स। अब जस्ट इसके ऊपर बताइए क्या होगा। सो दिस वन इज माइट्रल वेल्व्स। आगे दोस्तों जल्दी से बताओ इसके ऊपर क्या होगा। सो दिस वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम, बायां आलिंद। इसके बाद दोस्तों जस्ट इसके ऊपर आपको सेकंड लास्ट बताना है। सो दिस वन इज पल्मोनरी वेन्स। एंड देन आफ्टर दोस्तों लास्ट वन बताकर इसे फिनिश करें। सो दिस वन इज पल्मोनरी आर्टरी। सो नाउ इट्स कंप्लीटेड। आप मेरे को कमेंट करके नीचे जरूर से जरूर बताना कि आपका 13 में से कितना करेक्ट हुआ। साथ साथ में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना। आई होप दोस्तों टेक्निक मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और सिखाया, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। साथ साथ में आपने जाना कि किस तरह से आप बड़े आसानी से ह्यूमन हार्ट बना सकते हो। देन जल्दी से जल्दी अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट करके मुझे नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा देखना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम लोग जल्दी से जल्दी 500,000 फैमिली अचीव करें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना, ताकि ऐसा ही ढेर सारे वीडियोज़ मैं जल्दी से जल्दी आपको देते रहूँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहें हमारे वीडियोस को और सीखते रहें। गुड लक, हैव अ ग्रेट डे।